Foreign investors are pulling out of China at an unprecedented rate. In the June quarter of this year alone, a record $15 billion was withdrawn. ये सारी दुनिया देख रही है। अब उसका रीजन क्या है? दोस्तों, रीजन बहुत गहरे हैं और ये आपको प्रशंसा करनी पड़ेगी मोदी जी की, क्योंकि उन्होंने जो पिछले 10 सालों में एक इकोनॉमिक ग्रोथ जो भारत में लेकर आए हैं, ये ग्रोथ हमने पहले कभी भी देखी नहीं थी। So what does the data actually show us and what's driving the drop in foreign investment to China? मगर ये जरूर है कि भारत को, जैसे मैं कह रही हूँ कि भारत के लोग जो हैं और भारत की गवर्नमेंट जो है वही बड़ी नाशुक्री है, बजाय इसके कि पाकिस्तान का शुक्रिया अदा किया जाता है कि हमने उनके कहे बना ही और बगैर किसी गोली बारूद, बगैर लड़ाई झगड़े, और वो जो आप लोगों का बॉर्डर में, वैसे भी आपका और चाइना का जो है, भारत का और चाइना का आपस में डील हुई हुई है कि जी गोली नहीं चलनी है, सिर्फ घूंसे और लाते चलनी है, हमने वो भी नहीं किया। उसके बगैर ही हमने, जिसे कहते हैं ना कि चाइना की इकोनॉमी उस जगह पर ले गए जहां पे चाइनीज जो है वो रो रो के, आप देखिए हर कुछ दिन के बाद उनका प्रेसिडेंट गायब हो जाता है और हम लोग ढूंढते रहते हैं, तभी कहते हैं जी वहां पे सिर्फ वहां के अंदर 100 फैक्ट्रियां बंद हो गई हैं बिकॉज हुकूमत इतनी महंगी बिजली दे रही है। लेकिन आप जरा, अब ये किस अकाउंट में है, कहाँ पर है, कैसे हैं, क्या होगा, क्या नहीं होगा, किस पे क्या, लेकिन आप जरा इस ये रकम देखें कितनी है, 190 मिलियन पाउंड्स। चाइना का पिछले कुछ सालों में $6 ट्रिलियन पैसा स्टॉक मार्केट से निकल चुका है। स्टॉक मार्केट के हालात खराब हैं, वो टैक्स पे टैक्स लगाए जा रहे हैं, चाइना तेल मिलाया जा रहा है। अब दोनों चीजें हैं, ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जो यूरोप की भी तो चाइना में नहीं चलती। चाइना से पैसे इतने ले लिए कि अब चाइना खुद कटोरा लेके सोच रहा है कि मैं किधर जाऊं। मोदी जी कोई मौका छोड़ते नहीं है और जयशंकर तो वैसे ही आपको पता है। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। एक रिपोर्ट जिसने चीन की कम्युनिस्ट पार्टी की रातों की नींद उड़ा दी है। दुनिया भर की फैक्ट्री कहने जाने वाली चीन की हालत आज इतनी खराब हो गई है कि चीन की कम्युनिस्ट पार्टी ने सब कुछ करके देख लिया, लेकिन चीन की हालत रातों रात खराब हो रही है। दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था चीन के भविष्य को लेकर चिंताएं बढ़ रही है, क्योंकि फॉरेन इन्वेस्टर बड़ी संख्या में अपना पैसा चीन से बाहर निकाल रहे हैं। इस साल अप्रैल से जून के बीच फॉरेन इन्वेस्टर ने चीन से $15 बिलियन निकाल लिया। चीन की धीमी होती अर्थव्यवस्था और बढ़ते वैश्विक तनाव के कारण निवेशक चिंतित हैं। चीनी कम्युनिस्ट पार्टी नए विदेशी निवेशकों को आकर्षित करने और मौजूदा निवेशकों को बनाए रखने के लिए प्रयास कर रही है, लेकिन ये निकासी उसके लिए बड़ा झटका है। चीन सरकार को उम्मीद थी कि विदेशी कंपनियां अमेरिकी प्रतिबंधों को दरकिनार करते हुए चीन में निवेश करेगी, लेकिन ऐसा नहीं हो रहा है। पिछले 3 सालों में चीन से $6 ट्रिलियन साफ हो गए, जो कि लगभग भारत के GDP से 1.5 गुना ज्यादा है। उन दोस्त ने, और या कह लीजिए कि जो एनालिस्ट थे, जो जिनकी यूट्यूब वीडियो देखकर मैं अभी आ रही हूँ, मैंने सोचा कि इनकी वीडियो देखकर तो वीडियो बनती है, तो जी उन्होंने ये भी कहा कि चाइना जो है उसके बैंक्स जो हैं वो बंद होना शुरू हो गए। तो सर बंद क्यों नहीं होंगे, मुझे बताइए ना। इतना पैसा जो पाकिस्तान को उन्होंने दिया है, वहां उस उनसे पैसा लेके हमने यहाँ जो है 10-20 बैंक खोल लिए, तो उनके बैंक तो बंद ही होने। और बैंक तो चाइना जो कर्जे देता है लोगों को, यानी के कंट्रीज को जो लोन देता है चाइना, वो इस उम्मीद पर देता है कि हम उनसे डबल ट्रिपल करके लेंगे और ना मिले तो हम उनकी जमीन पे कब्जा कर लेंगे, कहीं से मोटर भी ले लेंगे, कहीं का एयरपोर्ट ले लेंगे, कहीं का कुछ ले लेंगे। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हमारे यहाँ ऐसा कुछ नहीं है। चाइना ना तो हमसे अपना पैसा वापस ले पा रहा है और ना ही हमारी जमीन ले पा रहा है। हमारी जमीन हम किसी को नहीं देते, तो चाइना को अगर हमने कह भी दिया कि हाँ ठीक है मोटरवे ले लेना, एयरपोर्ट ले लेना, वो ले लेना, तो हमने वही एयरपोर्ट और वही मोटरवेज हमने UAE और दूसरी कंट्रीज को भी, जैसे कहते हैं ना, दो एक ही को दो लोगों को एक ही चीज सेल करते हैं, तो वो हमने वो भी कर रखा है जी। हमने UAE को भी जो है वो मोटरवे और कहना चाहिए कि एयरपोर्ट्स का चूरन लगा रखा है। उसके साथ साथ हमने चाइना को भी यही कह रखा है। अब चाइना को चाहे हमारी जबान समझ में ना आए, लेकिन हमारी हरकतें तो समझ में आती हैं, क्योंकि हरकतें समझने के लिए आपको जबान आना कोई जरूरी नहीं है। तो उनको पता है कि जी इतने दिन हो गए, 10 साल हो गए, अब तो मौलाना फजलुर रहमान ने भी कहना शुरू कर दिया, जो पाकिस्तान के लीडर हैं,
जो पाकिस्तान में रहते हैं, पाकिस्तान के पॉलिटिशियन हैं, उन्होंने भी कह दिया कि पाकिस्तान जो है वो अमेरिका से बात करके और सीपैक पे काम नहीं कर रहा और दूसरी तरफ चाइना से पैसा लेता जा रहा है। अब ये बात अगर मौलाना फजलुर रहमान पाकिस्तान में रहकर कर सकते हैं, पाकिस्तान में रहकर बता सकते हैं, तो क्या चाइना को समझ में नहीं आ रहा है कि पाकिस्तान जो है वो एक तरफ सीपैक पे काम भी कोई नहीं कर रहा और दूसरे पैसे भी लिए जा रहे हैं। वैसे काम तो इन्हें खुद ही करना था, इसलिए कि इन्होंने अपने ही वर्कर लगा रखे हैं, इसलिए कि जिस तरह का प्रोजेक्ट ये लोग बना रहे हैं वो हमारे लोगों को तो बनाना आता नहीं है। तो हमने सोचा कि चलो इन्हीं के लोग बुलाकर, इन्हीं के इंजीनियर बुलाकर और इन्हीं से सीपैक बनवा लेते हैं। 10 साल तो हो गए, अब हो ये रहा है कि दूसरी तरफ ईरान, अफगानिस्तान और भारत जो है वो मिलकर चाबहार पोर्ट बनाने पे लग गए। चाइना का इस वक्त जो हाल बुरा होता जा रहा है, और कहा यह जा रहा है कि उनकी इकोनॉमी बहुत खराब हुई है, उसमें बहुत बड़ा हिस्सा या बहुत बड़ा रोल जो प्ले किया है चाइना की इकोनॉमी की बैंड बजाने में वो पाकिस्तानियों का है। तो मेरे ख्याल से जिस तरह की टेंशन भारत और चाइना के बीच में रहती है और उसके बाद पाकिस्तान ने जिस तरह से बगैर बताए और बगैर कोई भी चीज को डिस्कस किए हुए या किसी भी चीज को बकायदा तौर पे भारत के साथ डील बगैर डील किए, हमने फिर भी चाइना की बैंड बजा दी है। तो मोदी जी, इस सिलसिले में तो आपको हमारा थैंक यू वेरी मच हो जाए, और आपको चाहिए कि आप पाकिस्तान का शुक्रिया अदा करें, पाकिस्तान को थैंक यू बोलें कि जी हमने चाइना की इकोनॉमी की ऐसी तैसी करके रख दी है और सी पैक है कि वो कंप्लीट होने का नाम नहीं ले रहा, और वो मेरे ख्याल साल डेढ़ सौ साल और लगेंगे। मगर ये जरूर है कि मोदी जी आपको इस वजह से पाकिस्तान का थैंक यू करना चाहिए कि जी हमने जो है वो इकोनॉमी खराब की है चाइना की, जो बड़ी बड़ी कंट्रीज ना कर सकी। चाइना का तो हमेशा से बिजनेस रहा है कि वो डिफरेंट कंट्रीज को जो है पैसे देते हैं, लोन देते हैं, और उसके बाद कर्जे के नाम पर वो उनके गले में डाल देते हैं फंदा, यानी उन कंट्रीज को फंदा पहना देते हैं, और उसके बाद उन कंट्रीज की हाल खराब हो जाता है। लेकिन पाकिस्तान जो है उसने ना सिर्फ ये कि चाइना से बहुत ज्यादा लोन ले लिया, हमने बार बार ये कह कहकर कि जी पाकिस्तान और चाइना की दोस्ती जो है वो आसमान से ऊंची, सॉरी पहाड़ों से ऊंची, समंदरों से गहरी, शहद से मीठी, और पता नहीं क्या कुछ बोला जो आज तक चाइनीज जो है वो गूगल करके ट्रांसलेट कर रहे हैं कि इसका मतलब क्या होता है, ये सारी दुनिया देख रही है। अब उसका रीजन क्या है दोस्तों? रीजन बहुत गहरे हैं और ये आपको प्रशंसा करनी पड़ेगी मोदी जी की, क्योंकि उन्होंने जो पिछले 10 सालों में एक इकोनॉमिक ग्रोथ जो भारत में लेकर आए हैं, ये ग्रोथ हमने पहले कभी भी देखी नहीं थी। 8-8.5% के ऊपर इकोनॉमी राइज कर रही है, वो भी कब? जब कोविड से पूरी दुनिया त्रस्त थी, अभी भी रिसेशन के अंदर है और हम राइज कर रहे हैं। ये जो इकोनॉमिक ग्रोथ है इसके कारण अमेरिका चाहता है हमारे ऊपर सैंक्शन लगाना, लेकिन वो लगा नहीं पा रहा। और दूसरा एक और रीजन है, भारत को अपनी जो शक्ति है ना, ये पावर, वो महसूस होनी शुरू हो गई है कि वी आर अ 1.4 बिलियन कंजम्पशन मार्केट। अगर अब हमने अपनी जो ताकत है इसको एनफोर्स नहीं करना, आंखें में आंखें डालकर अगर इनको, अमेरिकन को अगर अपनी दिखाना तो कब दिखाना है? और मोदी जी कोई मौका छोड़ते नहीं है, और जयशंकर तो वैसे ही आपको पता है जब चपेड़ ऐसी मारते हैं कि उंगलियों के निशान उतरते नहीं है। दूसरा, भारत ने अपनी जो स्ट्रेटेजिक लोकेशन है इसको पहचान लिया कि हमारा जो लोकेशन है वो चाइना को काउंटर बैलेंस करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, और इंडो पैसिफिक रीजन के अंदर हमारी जरूरत अमेरिका को ज्यादा है बजाय कि हमें अमेरिका की जरूरत की, क्योंकि अमेरिका नहीं चाहता कि चाइना अपनी डोमिनेंस इस पूरे एरिया में इंक्रीज करता रहे। क्यों? अगर यूएसए अकेला हमारे ऊपर सैंक्शन लगा भी देगा, दोस्ती पूरे दुनिया में है, फर्क नहीं पड़ता, और ये अमेरिका भी जानता है कि वो हमारी मार्केट से भी हाथ धोएगा और हमारी सेहत पे कोई असर पड़ने वाला है नहीं। तीसरा, हमने ये भी पता लग गया कि यूएसए को हमारी इंडो पैसिफिक में जैसे जरूरत है चाइना को काउंटर करने के लिए, वो हमारे यूज करने की कोशिश करेगा और हम भी उसको यूज करें, इसलिए हमने डरना बंद कर दिया। और लास्टली एक और चीज है जो हमारा डिप्लोमेटिक, जो हमारा एक इंटरनेशनली सपोर्ट हमें मिल रहा है, इसलिए हम डरते ही नहीं है किसी के बाप से।